और इसमें भी वही हुआ है कि 213 गुना भरने की वजह ये की थी कि स्मॉल साइज स्मॉल आईपीओ की साइज ही छोटी प्राइस दो सौ रुपए की तो लोगों को लगता है छोटा आईपीओ अच्छा और इसलिए मिलता भी नहीं इसलिए सब लोग आजकल क्या हो गया हर क्यूआईबी कैटेगरी में या एच इन्वेस्टर क्या करता है वन टाइम एप्लीकेशन लगा दो इश्यू की साइज जितना जितना आना होगा आ जाएगा और जाता तो आपको कुछ है नहीं सिर्फ तीन दिन के लिए आपका पैसा ब्लॉक होता है तीन चार दिन के लिए आ गया तो ठीक नहीं आता तो पैसा रिलीज हो जाएगा आपका रिफंड भी जल्दी आता है इस चक्कर में लोग चांस लेना चाहते हैं और पलट की चीज करनी है आपको तीन सौ पचहत्तर रुपए अगर दूना हुआ मतलब कितना चार सौ चालीस के आसपास पास हुई चार सौ चार सौ चालीस चार सौ रुपए वोट एवर तो आप है ना जिस भी प्राइस पे लिस्टिंग हो वहां से आप दस परसेंट नीचे का स्टॉप लॉस रख लीजिए समझो चार सो हुई तो आप तीन सौ पचहत्तर ही रख लीजिए चार सौ पचास हुई तो चार सौ दस चा रख लीजिए तीन सौ पचहत्तर तो ही है ही आपका स्टॉप लॉस ठीक है लेकिन अगर ज्यादा हो जाए चार सौ पचास हो जाए तो आप चार सौ चालीस रख लीजिए चार सौ दस रख लीजिए दस परसेंट जहां से भी है वहां पे स्टॉप लॉस ट्रेल करते चले ओको दो सौ बीस रुपए की इश्यू प्राइस के मुकाबले में आप चार सौ साठ रुपए पर ट्रेड करता दिख रहा है हाई बनाया है चार सौ तैयारी और चार सौ चौरासी रुपए का दमदार लिस्टिंग होती हुई देखिए एक सूटेबल लॉस रख लें अगर आपको अलॉटमेंट मिले हैं वैसे तो दो सौ तेरह गुना भरा था तो किसको मिले होंगे पता नहीं लेकिन जिस किसी को भी मिले आप अपना एक स्टॉप लॉस ट्रेल करते चले टॉप से दस परसेंट नीचे का ये आपके लिए बेहतर रहेगा